सो हाय एवरीवन। सो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए दो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। सो पहला है ऑटोडेस्क की ओर से। सो ऑटोडेस्क हायर कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न्स। सो अगर आपको कोडिंग आती है तब तो आप पक्का से अप्लाई कर दीजिए, एंड उसमें भी अगर आपको सी प्लस प्लस आती है तब आप पक्का से अप्लाई करिए, क्योंकि ये आईटी इंटर्न है। सो आईटी कंपनी है तो इसमें आपको कोडिंग ये पूछेंगे जरूर अच्छा से, एंड इसकी स्टाइपेंड भी अच्छा है। आपको इसमें 30K से लेकर के 35K तक मिल रही है। सो अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, एंड जाके आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। एंड इसमें देख लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि यूआई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपको कुछ भी आना चाहिए। यूआई प्रोग्रामिंग में आप मान के चलिए आपको जेएस थोड़ा आना चाहिए, या फिर रिएक्ट भी अगर आता है, यानी कि कोई भी वेब टेक्नोलॉजीज अगर आपको आती है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड हाँ, डीएस तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये लोग डीएस से क्वेश्चंस करेंगे, तो डेटा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो भी लेते आऊंगा कि आप कहाँ से डीएस पढ़ सकते हैं। सो जरूर से कमेंट करें, एंड ये सब कुछ रहा, एंड दिखाता हूँ मैं अप्लाई कैसे करना है। इस जॉब अपडेट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। सो आप इस पेज में लैंड करिए, एंड देन अप्लाई नाउ में क्लिक करिए। सो आपके पास एक और न्यू पेज खुलेगा। सो ये रहा पेज, एंड आपका लोकेशन इसमें होगा पुणे। सो अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि आपका लोकेशन पुणे होगा, बट इन करेंट सिचुएशन अगर आपकी हायरिंग अभी होती है कुछ दिनों के अंदर में, तो आप आराम से रिमोट कर सकते हैं। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है कि आपको वो लोग पुणे बुलाएंगे, आप आराम से रिमोट वर्क कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड ये सब है, अप्लाई में क्लिक करना है आपको। आपको इसमें क्लिक करना है अप्लाई विथ रिज्यूमे। सो अगर आपने इसमें अकाउंट क्रिएट किया है तो सही है, इसमें आप लॉग इन कर लीजिए, एंड अगर आपने इसमें अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो क्रिएट अकाउंट में आके क्लिक करिए, एंड देन ये सब भरिए, एंड उसके बाद से लॉग इन करिए, एंड जो जो पूछ रहा है वो कर लीजिए। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं एक अलग से वीडियो तो मैं जरूर लेते आऊंगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये नेसेसरी होगा। सो अब आते हैं अब हमारे सेकेंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के ऊपर में। ये एचपीई के द्वारा प्रोवाइडेड है, एंड इसका लोकेशन आपको बैंगलोर मिलेगा, एंड इसमें भी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न है। सो इसमें भी आपको कोडिंग आनी चाहिए। आपका इसमें स्टाइपेंड 20K से लेकर 25K तक होगा। ये एक रफ एस्टिमेट है जो हम अच्छे से नहीं कर सकते, बट ये एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें अगर आपका फुल टाइम कन्वर्जन होगा तो फुल टाइम में आपको 8 लाख का पैकेज लगेगा, एंड उसके बाद से आपको 2 लाख रुपीज बोनस दिया जाएगा। सो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसे ग्रैब कर पाते हैं तो। एंड इसमें भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्किल चाहिए, एंड उसमें भी आपको ज्यादा हाईफाई नहीं चाहिए, आपको डीएस एंड एल्गो का नॉलेज चाहिए। एंड क्वेश्चंस में लोग बहुत बेसिक सा कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो कि आप आराम से जाकर के क्लास टूर एंड गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ सकते हैं। सो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एंड मैं तो कहूंगा कि अगर आप एक आईटी इंजीनियर है या फिर एक सीएससी ग्रेजुएट है तो आप पक्का से अप्लाई करिए, क्योंकि ये आपके कोर्स से रिलेटेड ही सवाल पूछेंगे। एंड अगर आप मैकेनिकल के भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बस यही है कि आपको डीएस एंड एल्गो अच्छा सा आना चाहिए, ठीक है। एंड अप्लाई करने के लिए आप इसमें अप्लाई करिए, इसका भी लिंक मैं दे रखूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। एंड ये देखिए, ठीक है। एंड जॉब पोस्ट भी आप देख लीजिए, एकदम रिसेंट जॉब है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2 दिन पुराना जॉब है, तो अभी भी इसमें हायरिंग चल रहा है। अप्लाई में क्लिक करिए, एंड ये भी एक वर्कडे प्रोफाइल खुल जाएगा। सो दोनों का वर्कडे प्रोफाइल ही है, एंड आपको यहाँ से आपको सारा स्टेप्स पता है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो क्रिएट अकाउंट में क्लिक करिए, एंड फिर आप भर दीजिए। सो आशा करता हूँ कि आज का इस वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड हाँ आप जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब कोई करता नहीं है, मैंने देख रखा हूँ ज्यादातर लोग देखते हैं और चले जाते हैं। सब्सक्राइब करो यार, बहुत बुरा लगता है। सो ये रहा, एंड तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, टाटा।